हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के तोरण का एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे, ज़रूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन को बनाना। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बंडल स्काई कलर का मैक्रम लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा हमको चाहिए येलो कलर का मैक्रम, थोड़ा सा चाहिए पिंक कलर का मैक्रम। एक एक बंडल अगर आप नया खरीदे, देखिए एक बंडल खरीदे, हाफ ऑफ बंडल से भी कम में ये बनके तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो मोती है, ये ग्रीन कलर का जो मोती, 60 पीस मैंने यहाँ पे ये मोती यूज किया है, 60 पीस ग्रीन कलर का काटा मोती। और यहाँ पे ये जो छोटा वाला यहाँ पे 70 पीस मैंने यहाँ पे ये मटका मोती ब्लू कलर का लिया है। और जो बेल्स 80 पीस मैंने यहाँ पे ये कलर का बेल्स लिया है, पिंक कलर का बेल्स लिया है। और 6 पीस मैंने यहाँ पे पिंक कलर का मोती लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। पट्टी बनाने के लिए 6 कॉर्ड चाहिए। 6 कॉर्ड को यहाँ पे 4-4 या 5-5 या 6-6 मीटर में कट करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी 3 मीटर में ही मैंने यहाँ पे कॉर्ड को कट किया है। 3 मीटर का एक कॉर्ड रहेगा। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से 2 कॉर्ड को ले लेंगे और यहाँ पे हम सिंपल स्क्वायर नॉट बिना कोई बेस के ऐसे ही हम एक रफली सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से जब ये तीनों डिजाइन बन जाएगा तो हम यहाँ पे 2 डिजाइन को इस तरह से रखेंगे और इधर का 2 कॉर्ड और इधर का 2 कॉर्ड लेना है और इससे नॉट लगा लेना है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये कनेक्ट हो गया, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 3-2, 3-2, 3-2 का नॉट आगे कंटिन्यू होता जाएगा।
थ्री, फिर टू, फिर थ्री, फिर टू, थ्री, टू, थ्री का ऐसा डिजाइन बनाया है। सेम ऐसा ही डिजाइन हम पूरा पट्टी बना करके तैयार करेंगे। जितना हमारे डोर का जितना ये डोर है, मान लीजिए ये ऐसा डोर है, तो जितना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चौड़ाई होगी उतना ही हम ये पट्टी बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये पट्टी तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक 1.5 मीटर का कॉर्ड लिया है। तो 1.5 मीटर का कॉर्ड को हम कहाँ इंसर्ट करेंगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 होल लेंगे। तो 5 होल में, पांचों होल में हम, पांचों में हम अलग अलग मेज़र का अलग अलग साइज़ का कॉर्ड लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 फिफ्थ वाले में हम यहाँ पे 1.5 मीटर का कॉर्ड लगाएंगे। और 1.5 मीटर का कॉर्ड किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से हम रखेंगे कि अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ तक हमारा आ जाए। 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ नंबर का कॉर्ड है। अब इसके ऊपर हम एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, एक बार कॉर्ड के ऊपर से, एक बार कॉर्ड के नीचे से। इसको हम यहाँ पे 1, 2, 3 डिजाइन छोड़ते हुए फोर्थ नंबर के होल में फ्रेंड्स, अब हम मैंने यहाँ पे 2 मीटर के लगभग का पिंक कलर का कॉर्ड लिया है। आप चाहे तो बस येलो से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल देंगे तो आप वेस्टेज से इसको बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसको एक कॉर्ड पे दूसरे कॉर्ड के ऊपर, दूसरे कॉर्ड को पहले कॉर्ड के ऊपर, एक कॉर्ड को दूसरे कॉर्ड के ऊपर, दूसरे कॉर्ड को पहले कॉर्ड के ऊपर, फर्स्ट कॉर्ड को सेकेंड कॉर्ड के ऊपर, सेकेंड कॉर्ड को फर्स्ट कॉर्ड के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 40 बार ये डिजाइन लगाया है। अब इसको भी हम सेम ऐसे ही कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाले लूप में हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 लाइन बन गया है। अब हम थर्ड लाइन भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड लेंगे लगभग, और एक छोटा सा इस तरह से रखेंगे, इतना हम कम से कम गैप छोड़ेंगे।
कलर डिजाइन यहाँ भी कंप्लीट करेंगे। टाइम्स ये डिजाइन बनाया है। तरह से बन गया है। अब फोर्थ लाइन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे पिंक कलर का 2 मीटर का फिर से कॉर्ड लेंगे और ये तरफ वाला कॉर्ड रहेगा इतना लंबा कम से कम कि इधर आ जाए। इस तरह से अब हम यहाँ पे एक मोती ऊपर करेंगे। इसके ऊपर हम एक मोती लगाएंगे, एक नॉट, एक मोती। फिर एक नॉट, फिर से एक मोती। एक नॉट, फिर एक मोती। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाइन बना लिया है डिजाइन। और 15 लाइन बनना, 15 मैंने मोती लगाया है और इसको मैंने बिल्कुल ढीला ही रखा है। ढीला रखने से ये जो है, यहाँ आप देख रहे हैं, बिल्कुल ढीला ही है। मैंने इसे खींच के टाइट नहीं किया है, तो ढीला ही रखा है। अब 15 टाइम्स देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पे मैंने कॉर्ड अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे दो टाइम्स हम यहाँ पे डिजाइन लगाएंगे और हम यहाँ पे ये वाला जो कॉर्ड है इसको हम हल्का सा मेल्ट करके और हल्का सा इसको थोड़ा सा नोकीला कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम एक मोती लगाएंगे। मैंने यहाँ पे मटका मोती यूज किया है, एक मोती और एक बेल्स इस तरह से। फिर से अब यहाँ पे 2 टाइम्स डिजाइन। फिर से एक मोती और एक बेल्स।
के तैयार होगा, ऐसा ही हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 टोटल मैंने 19 लाइन बनाया है, 19 लाइन। अब हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये एक लाइन में ना एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। इस एक डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 13 लाइन हमको लगा। फिर अब हम यहाँ से 1, 2, 3 लाइन छोड़ देंगे और चौथे लाइन से हम यहाँ पे या तो यहाँ पे टू गैप छोड़ करके थर्ड गैप से हम फिर से यहाँ पे एक कॉर्ड लगाना स्टार्ट करेंगे। 2 मीटर का कॉर्ड, फिर 2 मीटर का कॉर्ड, फिर 2 मीटर का कॉर्ड, फिर 1.5 मीटर का कॉर्ड और फिर 1.5 मीटर का कॉर्ड, इस तरह से करके फिर लगाएंगे। और फिर जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है, सेम ऐसा ही डिज़ाइन हम इधर भी बना के तैयार कर लेंगे। पूरे तोरण में ऐसा ही पट्टी बना के हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये पूरा पट्टी बना करके तैयार किया है। ये 4 कॉलम का मैंने पट्टी बनाया है, ये 4 कॉलम कितना मैंने यहाँ पे पट्टी बना के तैयार कर लिया है। अब इसमें हमको एक्स्ट्रा हैंग करने के लिए यहाँ डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे किचन का रिंग अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये वाले हुक जो है ना, ये वाला जो हुक है यहाँ पे भी इसको इसमें भी आप कील को लगा सकते हैं। तो मैं यही वाले हुक में कील को लगाऊंगी। अब हम सारे कॉर्ड को कट कर लेंगे और बैक साइड जाएंगे। इस तरह से ये तोरण जो है वो बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने 1, 2, 3 और 4 तो 4 कॉलम मैंने बना लिया है, अब ये रेडी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप ये 2 कॉलम के बीच में जो यहाँ जगह खाली है तो उसको हम भरेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 छोटा मीन्स यहाँ पे 80 सेंटीमीटर के लगभग का कॉर्ड, एक्चुअली में छोटा भी नहीं है, ये 80 सेंटीमीटर के लगभग का कॉर्ड है। तो वो हम लेंगे इसके सेंटर में, हम यहाँ पे 2 मोती लगा लेंगे। तो मैंने पिंक कलर का एक मोती ऊपर करके एक नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड,
इस तरह से मैंने ये तोरण का डिज़ाइन बना करके तैयार किया है। बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो और बनाने का तरीका अच्छा लगे, ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर ज़रूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।